भाई 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 ओ ओ भाई 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 भाई, भाई। भाई सर भी थ्री बोस को बोल रहे हैं कि साइड करवा दे। तो गाइज ये लगी हुई है अपनी बाइक और ये लगी हुई है शफकत की बाइक, देन ये लगी हुई है रईस मल्ली की बाइक। तो आज ये तीनों बाइक साथ में, तो आज एक होने वाली है बॉम्ब सी राइड। बहुत से बंदे वेट कर रहे थे कि राजा भाई आपके व्लॉग्स वगैरह कब आएंगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि अब आपके लिए मैं डेली व्लॉग्स करूँ, क्योंकि आपको पता है स्ट्राइक वगैरह जो चैनल से हट चुकी है। सो हे गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल राजा डीसी। तो गाइज बाइक वगैरह वॉश करके आपके भाई ने लाई हुई है, तो ये रहे अपने विथरी बोस। कैसे हो, ठीक हो? रईस लेके आया है ड्यूक, तो आज ये आरसी नहीं लेके आया, जैसे ड्यूक के अगले पिछले दोनों न्यू टायर डाल दिए हैं, मतलब ड्यूक इसने एकदम बॉम्ब तरीके से ना तैयार कर दिया है। तो मेरा ना मन नहीं कर रहा गाइस, मैंने ना आपसे एक सजेशन लेनी थी कि मैं सोच रहा था कि चलो बाइक तो अभी मैं फिलहाल नहीं बेचूँ, क्योंकि जब मैंने बाइक बेचने का डिसाइड किया था ना, आप सब लोगों ने ना कमेंट भर दिया था राजा डीसी भाई इसको नहीं बेचना, और बहुत से बंदे घर तक लेने इसको आ गए थे, पैसे भी लेके आ गए थे। बट मैंने उन बंदों को बोला भाई एक दो दिन वेट कर लो, वो भी नाराज़ हो गए, भाई पहले आपने बोला बेचनी, अब हम पैसे लेके आए, धन आप बेच भी नहीं रहे हो, तो भाई सॉरी दिल से। तो गाइस मैंने आपसे ये सजेशन लेनी थी कि ये जो मैंने किट लगाई हुई है, ये किट उतार के जो आरसी की अपनी किट है वो लगवा के अब मैं राइड करूँगा कुछ दिन, क्योंकि ना यार मेरे को ना थोड़ा सा ना मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि इन चीज़ों में ना बहुत सारी वाइब्रेशन आ चुकी है ये जो पार्ट्स है इसके, क्योंकि जो कंपनी फिटिंग होती है ना वो कंपनी फिटिंग ही होती है। ये जो किट है ना ये सिर्फ मैं सच बताऊँ तो सिर्फ लुक के लिए है, ऐसा ना बाइक इससे बहुत ज़्यादा हल्की भी हो जाती है, देन ना मुझे ना अब ना पहले थोड़ा बहुत मज़ा आता था चलाने में, बट अब नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा बाइक में वाइब्रेशन आ चुकी है। तो मैं सोच रहा हूँ मैं ये किट उतार दूँ, तो आप सब बता देना कि क्या करूँ, मैं ये किट उतार दूँ जो आरसी की अपनी किट है, मैं इसमें वो वाली वापस से इंस्टॉल करवा लेता हूँ। अभी निकलते एक प्यारी सी राइड के लिए, अभी हम पेट्रोल डलवाने आए थे, बट इधर से पेट्रोल वगैरह नहीं मिला, बोल रहे हैं कि अभी स्कैन वगैरह बंद है, अब हमें कहीं और से डलवाना पड़ेगा। विथ्री बॉस कैसे हो? बढ़िया हो ना, बहुत फेमस हो गया आपके, बहुत चर्चे चल रहे हैं, चर्चे बड़े बड़े खबरी न्यूज दे रहे हैं ये, अभी मैं देख रहा था बड़े बड़े चैनल इस न्यूज को दे रहे हैं। हाँ। हमारे जम्मू के कुछ ना छोटे मोटे खबरी वो हमारी न्यूज कवर करने से डरते हैं। हाँ। हम बोलते भी नहीं कि कोई हमारी न्यूज डालो, हमें नहीं भाई। आज मैं देख रहा हूँ इंडिया के टॉप लेवल के यूट्यूबर जो खबर देते है, यूट्यूबर मोटो व्लॉगर की वो डाल रहे हैं। मैंने भी सुना था विथरी बोस ने मेरे को एक चीज भेजी थी, बहुत बहुत बड़े पेजेस ने ना हमारी न्यूज डाली थी, ये वाली विथरी बोस वाली, आप सबके लिए एक प्यारे से ब्लॉग करते हैं, तो हमें नहीं कोई जरूरत कोई हमारी न्यूज वगैरह डाले, तो भाई हम जैसे ब्लॉग करते हैं ना हम ऐसे बहुत ठीक हैं। तो अभी हम जा रहे हैं पेरिस राइड के लिए, तो आपको आगे जाके मिलते हैं। मैं सोच रहा हूँ ना अभी ना हमारी तीनों की बाइक्स में ना तेल नहीं है, बट फिर भी मैं सोच रहा हूँ आगे तक ना थोड़ी सी ड्राइव करते हैं, तू आगे जा सबसे पहले। तो बस देखो गाइस उसको हमने कितनी लीड दी है कि तू उतनी आगे रह, तू वहीं पे रह, तो हम ना यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये ना कि हम इसको ठोक दे तो ये बेचारा गिर जाए, ठीक है? मैं तीन हॉर्न करूंगा, तीन हॉर्न, चल ठीक है, रोड खाली है पीछे, रुक जा, 1 2 3 ओ भाई, ओ भाई यार गियर अटक गया यार, मेरा गियर अटक गया यार, चलो विथरी बोस के पीछे, ओ भाई 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 विथरी बोस विथरी बोस विथरी बोस, देख रहे हो इस बंदे को, देख रहे हो एक हाथ से बता रहा है, ओ भाई 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 भाई, ओ भाई जीत गया। तुम्हारी बाइक्स में ना तेल बिल्कुल भी नहीं था, बट फिर भी ना मैं छोटी सी ड्राइव कर ली, मेरा गियर ही अटक गया यार, उसके वजह से ना मैं पीछे रुक गया, रईस आगे निकल गया। पहले ना फ्यूल अप करवा लेते हैं, देन उसके बाद सिटी वाली साइड चलते हैं। मैं सोच रहा हूँ यार विंटर्स आ गए ना, ग्लव्स वगैरह भी ले लेते हैं, तो बट रईस अभी बोल रहा है यार अभी नहीं लेने, रुक जाए एक दो दिन। मैंने बोला चल ठीक है यार साथ में लेंगे, तो पहले फ्यूल अप करवाते हैं, देन उसके बाद आपसे मिलता हूँ। यार V3 बॉस 24 घंटे बस एक ही चीज बोलता है, सिटी पहुंच गया चला राइड करे, मैंने बोला चला, ओ भाई 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 भाई, ओ भाई मार गए थे यार, मां की कसम यार, ओहो हो डर रहा हूँ अभी, क्रैश होते होते बचा हूँ यार, मां की कसम उड़ा गया था बंदा यार, बीच रोड से मुझे समझ नहीं आता कि बीच रोड से भाई क्यों कट करते हो यार, कहीं साइड से कर लो, रास्ता जब बना हुआ है पूरा बताया हुआ कि कहाँ से कहाँ जाना है, अगर थोड़ी गाय जोर तेज होता ना टच हो जाता है, फिर भी उन्होंने ना मेरी गलती निकालनी थी, क्यों? क्योंकि मैंने ना कैमरा लगाया ना इस टाइम ना मोटो व्लॉगर हूँ भाई, क्रैश हो गया था कसम से यार, मतलब यार रईस के पास अगर क्लिप आई होगी ना तो मैं रईस से क्लिप लेके ना आपको दूंगा। और एक तो ये बंदा जो बार बार बोलता है ना मेरे से रेस कर, इसने बड़ा गुस्सा चढ़ाया हुआ है मेरे को, आ कर रेस,
चल बगा बगा, अब ब्रेक नहीं मारना, मारूंगा। चल बगा बगा बगा, ये देख भाई फिर से बच गया था। ब्रेक नहीं मारना नहीं तो मैं ठोक दूंगा पीछे से अब तेरे को। भाई आज आपको है ना बड़े दिनों के बाद सिटी आया है यार, और सिटी आके ना आपको पता नाके ना दिखते ही दिखते हैं यार। और ये देखो पुलिस वाले सर बाइक को कैसे देख रहे हैं, कर दिया सर जाओ। वित्री बोस है ना, हाइपर राइडर स्टार्ट हो गई है यार। भाई ये रहा हमारा फेवरेट नाका, बड़े बंदों को पता है बट इस बाइक का फेवरेट नहीं है, आरआर का फेवरेट है। हाँ ठीक हो, मस्त। हेलो, तो वो भी अभी ऑटो में थे। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो भाई दूर से हाई कर दिया आपने, कोई बात नहीं, अच्छा लगा आपसे मिलके। तो एम्बुलेंस को रास्ता दो यार, एम्बुलेंस को रास्ता दिलाओ वित्री बोस, रास्ता दिलाओ रास्ता। ओ भाई एम्बुलेंस इधर से कैसे निकलेगी यार, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रही। आगे वो देख रहे हो आप सर, इनको साइड करो। ओ भाई भाई एम्बुलेंस फंस जाएगी यार, थोड़ी थोड़ी साइड कर दो प्लीज यार। भाई वित्री बोस काफी हेल्प कर रहे हैं, वित्री बोस शाबाश शाबाश शाबाश, करवाओ गाड़ी साइड करवाओ जल्दी जल्दी, एम्बुलेंस को लेट नहीं होना चाहिए। क्योंकि चक्कर पता क्या होता है यार, एम्बुलेंस के अंदर जो पेशेंट होता है ना उसको पता होता है कि भाई उसके ऊपर क्या बीत रही है। लोग ना कोई कोई ना साइड ही नहीं देते हैं यार, तो अभी तो चलो यार फिलहाल साइड मिल गई है। कर दो भाई साइड कर दो थोड़ी थोड़ी थोड़ी, आन दो भाई, आज एम्बुलेंस के साथ थोड़ी हेल्प हो जाए यार। भाई साइड कर ले, फाइनली साइड कर दिया वित्री बोस रे सबको। अंकल जी एम्बुलेंस आ रही है, रुक जाओ एक सेकंड। भाई फाइनली रास्ता दिलवा दिया वित्री बोस रे आज, और पीछे पुलिस वाले सर भी आ रहे हैं, वो भी काफी साइड। बिल्कुल 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 बिल्कुल, भाई सर भी वित्री बोस को बोल रहे हैं कि साइड करवा दे। ओ भाई आप बिल्कुल बिल्कुल आओ आओ आओ, आप खींच दो ना वहाँ से, चलो मैं खींच, आप यहाँ पे आ जाओ बीच में आ जाओ, सबके साथ आ जाएगी, आ जाओ। तेरे वित्री बोस को पकड़ते हैं, अरे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा यार, भाग भाग भाग। ओ भाई 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 फंस गया मैं, देखो अब बोलेगा आप क्या रेस करोगे मेरे साथ यार, मैं तो आपको एक हाथ ही हरा दूंगा। बट सही बात है यार, वित्री बोस रहे वित्री बाइक पे नहीं मानते हैं यार, इनकी ये जो फेवरेट बाइक है ना। इस रोड से कुछ आपको याद आया जब रेस के साथ सीन होने वाला था थोड़ा सा, तो ना मेरे को ना एक बात बहुत बुरी लगी थी, हमारी कोई जम्मू की ना कोई पढ़ी लिखी दीदी रिपोर्टर थी, उन्होंने ना न्यूज़ दी रेस के ऊपर कि देखो गाइस रोड टूटा हुआ था, तो रईस ने कोई भी स्टंट नहीं किया, रईस का बैलेंस खराब हुआ तो रईस ने अपनी बाइक को कंट्रोल किया। तो वो पढ़ी लिखी दीदी रईस को बोलते न्यूज में कि ये देखो स्टंट कर रहे थे। मेरे को इस बात की समझ नहीं है कि वो बंदा गिरते गिरते उसने बाइक को कंट्रोल किया, उसमें उसने कौन सा स्टंट किया पहले तो मेरे को आप ये बताओ। और एक बंदे ने तो काफी अच्छा कमेंट किया था कि भाई एक तो अपना दिमाग ठीक करो और दूसरा रोड ठीक करवाओ, तो भाई वो मेरे को पढ़ के लगा कि हाँ भाई कोई कोई बंदे जो है बाइकर्स को समझते हैं। और रिपोर्टर वो जो भी दीदी थी ना यार, बहुत अनपढ़ रिपोर्टर थे यार, मैं सच कह रहा हूँ। रईस की बाइक अनकंट्रोल होगी और वो बोलते वो स्टंट कर रहा था भाई, तो यार मतलब पुलिस वालों को रिपोर्टर्स को और मतलब जो लोगों को पता नहीं है ना कि भाई स्टंट और राइडिंग क्या होती है, उनको बस एक वर्ड मिल गया स्टंटबाज। तो हमारे वित्री बोस ने अच्छा जवाब दिया था एक रिपोर्टर को कि तू बता कि स्टंटबाज क्या होता है, डन उस बंदे को कुछ समझ दे, उसने फिर चुप हो गया भाई आगे से। तो फिर तो आपको पता है वित्री बोस तो वित्री बोस ही है। पर चलो छोड़ो यार, चलते पहले आगे। हाँ रेस वित्री बोस, रेस रेस रेस, हाँ रईस मलिक, ट्रक वाले भैया जी। गाइस एक तो मेरी बाइक भागती बहुत ज्यादा, बेचारे वित्री बोस पीछे रह जाते हैं। आ गया आ गया आ गया आ गया, भाग 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 भाग। ओ भाई रेस मलिक निकल के आ गया गाइस, इसको पीछे करते हैं, चल 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 चल, भाग 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 भाग, चलने मारे। अभी हम नेस्कैफे वगैरह बैठे हुए थे, देन कॉफी शॉफी पी, ये रहे अपने वित्री बोस। तो गाइस जैसे हम नेस्कैफे से बाहर निकले ना यार, एक अचानक से यार इतनी ज्यादा ठंड होगी मैं क्या बताऊं आप सबको। तो अभी हम करेंगे प्यारी सी राइड, वित्री बोस आ रहे हैं पीछे। ओ गाइस 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 हंसी आ रही है, वित्री बोस इतना फ्लो में आ गया, इन्होंने अपने हेलमेट का शीशा ही पीछे फेंक दिया यार, क्या बंदा है यार ये। मेरे को ऐसे कह रहे थे कि आजा आजा रेस, और ऐसे हाथ सीधा हेलमेट पे पड़ा, देन शीशा सीधा हेलमेट का, हेलमेट का शीशा।
ओ भाई 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 कहाँ गया गाइस, इसको अब रेस नहीं छोड़ेगा यार। मैं इसको बोलता भी हूँ कि विथ्री बॉस इतना मत उड़ा कर, इतना मत उड़ा कर। गाइस वो देखो रहे हो नीचे शीशा, अब ना मुझे इसके चक्कर में ना नाली में जाना पड़ रहा है। तो गाइस ये देखो शीशा तेरे शीशा। गाइस इस बंदे ने फ्लो फ्लो में शीशे की, तुझे इतना शौक क्या रेस करने का, पहले तो तू ये बता मेरे को, बता ना। ओ भाई इतने जोश से बोला आ रेस, और सीधा हाथ शीशे पे, शीशा नीचे। वाह विथ्री बॉस वाह। गाइस मेरा ना GoPro ना डेड हो चुका है, तो अब देखते हैं क्या सीन रहने वाला है क्या नहीं।